फेस, ये दो चीजें पता तो चल रही है। और ये आ गया मेरा मिलो, मतलब छोलू मतलब छोलू आ गया। वेलकम बैक टू कुछ न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:07 और मेरा ऑफिस छूट चुका है। जी हाँ, मैंने रिजॉइन कर लिया है और बहुत अच्छे से भैया ने मुझे उनसे बात करी और मुझे रिजॉइन करवाया है। जिनकी शॉप है और आज से मैंने रिजॉइन फाइनली कर लिया है और अब मैं छोड़ूंगी भी नहीं जॉब, क्योंकि नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए, मैं तो कभी सबको जॉब करना चाहिए। और फिलहाल मैं अभी हस्बैंड के ऑफिस के बाहर खड़ी। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये है हस्बैंड का ऑफिस, तो मैं अभी हस्बैंड के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ। 9:30 हस्बैंड बाहर आएंगे तो फिर हम लोग साथ में घर जाएंगे। और फिलहाल चल रही है ज़िंदगी, अच्छी चल रही है और बस ऐसी चलती रहे, बस हस्बैंड जल्दी से आ जाए यार। मुझे तो ये है 9:30 मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो आधा घंटा। चलिए कोई नहीं, चल हस्बैंड आते हैं तो फिर आपसे मिलवाते हैं। तो जी, ये पति हमारे आ चुके थे और हम लोग निकल आए हैं लाल बंगले से और आ गए हैं अब शिकलागंज। और इस टाइम वक्त हो रहा है, ओहो हॉर्न तो यार कौन है, और इस वक्त जब हम बोलते तभी बजता है यार। इस वक्त वक्त हो रहा है 9:52 और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। वैसे मतलब मैं बता रही हूँ, जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, मेरा तो ये सजेशन है कि अगर आप घर में फालतू बैठी हैं, अगर आपको काम सुबह हो जाता है भाई, तो उठिए निकलिए और जॉब करिए। क्यों? क्योंकि एक हाउस वाइफ के साथ वर्किंग वुमेन होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो बस मेरा यही सजेशन था और इसी सजेशन के साथ हम लोग जा रहे हैं घर। और ये ट्रक फंस गया है रास्ते में। तो फिर चलिए चलते हैं घर और मिलेंगे आपको सीधा घर जाके। और हैवी ड्राइवर्स भाई बहुत हो गए हैं कानपुर में या कहीं पे भी आप देख लोगे तो हैवी ड्राइवर्स की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये देखिए, ये अगर लहर मारती हुई नागिन ने अगर कहीं स्लिप मार लिया ना, तो ज़िंदगी में इनकी जहरी जहर घुल जाना है। लेकिन ये बात समझते नहीं है लोग, समझना चाहिए लोगों को, ये बहुत बुरी ड्राइविंग होती है, हार्श ड्राइविंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब लोग समझते कहाँ हैं। खैर पढ़े वो क्या, लोग ऐसे भी नहीं समझने वाले। बस तो फिर यही बताने के लिए उठाया था कैमरा। तो जी, हम लोग घर आ चुके हैं और बस अभी अभी मैं फ्रेश होकर आई हूँ, हाथ मुँह सारा कुछ धोकर आई हूँ और अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे। और मेरा कमरे की हालत बहुत ख़राब है, कपड़े धोए थे वो फैला के यहीं रख दिए गए हैं इस वजह से, तो अभी मैं वो समेटूंगी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे फैला हुआ कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। 2-3 दिन से मैं वैसे ही फैला हुआ देख रही थी, मुझे बहुत उलझन हो रही थी, तो वो समेटूंगी खाना खा के, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो जी, खाना वाना हम लोग खा चुके हैं और घर आने के बाद मैं आपसे मिली थी, उसके बाद खाना वाना खाया और अब आ चुके हैं फाइनली सोने के लिए। काफ़ी कमरा फैला हुआ था, सारे समेट के रखा है मैंने और बेड एकदम क्लीन कर लिया है। और उसके बाद खाने के बाद खाया है तरबूज, मज़ा आ गया खा के, बहुत ही मीठा था। और फिलहाल तो आज थकान उतनी नहीं लग रही है, कल से पता चलेगा। जैसे जैसे दिन जाते ना तो वैसे वैसे पता चलता है आपको, भाई दो दो चीज़ें आप संभाल लो, एक घर और एक ऑफिस, ये दो चीज़ें पता तो चल रही हैं। और ये आ गया मेरा मिलो, मतलब छोलू आ गया। तो भैया कैसे हैं आप सभी, कैसन बाड़े बाटू, कैसन बाड़ू बाटू, दो चीज़ होती है ना, कैसन बाड़ू ओ मार मातारी भाइनन लोगन सब एक रा के बताए ला। हाँ तो भैया कैसा रहा आप सभी का दिन, मेरा तो बहुत बोरिंग रहा, मेरा तो बहुत ही चौकस चटाक रहा, मेरा बहुत बोरिंग रहता है। लेकिन बोरिंग बोरिंग इन द सेंस मतलब काम के वक्त और काम की वजह से बोरिंग रहता, अदरवाइज बोरिंग नहीं रहता। अगर आप मेरे यहाँ के माहौल देख ले आके, तो आप लोग ये कहेंगे घर पे बैठे और क्या बवाल होते हैं भाई,
सुबह से शाम तक कभी उसके खूजे कोनी किल्ली कोई बाल लोचे ले रहा है, कोई पैंट उतारे दे रहा है, क्या होता है यार। मैं मतलब आई कैन यूज ओनली वन वर्ड विच इज वी कैन डू नंगाई ऑल द डे। नंगाई होती है उसको नंगाई कहते हैं। फिलहाल हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि घर से ज़्यादा हम दोनों को ही मज़ा आता है अपने अपने ऑफिस में। भाई बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऑफिस में, घर आने का तो मन ही नहीं करता है। घर के अंदर होता क्या है यार, घर के अंदर एक चीज़ होती है, घर के अंदर रहना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशन, और मतलब एक होता है एक भाई रिस्पेक्ट होती है, माँ बाप की भी रिस्पेक्ट होती है, भाई भी है, तफरी मजाक नहीं हो सकता। लेकिन बाहर जो हरामीपन होते हैं ना, आए हाय, डोंट से दैट वर्ड यार, ऐबी बने जो होते हैं, मतलब कमीने बने जो होते हैं, मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में वो सब समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। भाई आप समझ रहे हो सबको क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसीलिए इनको और मुझे दोनों को ही ऑफिस में बहुत मज़े आते हैं। लेकिन मुझे मज़े आते हैं लेकिन वो मज़े मेरे बरकरार रहते हैं, और इनको ऑफिस के आने के बाद इनकी आँखें देखिए। वही जाहिर सी बात है, मैं सुबह पूरा काम करके जाती हूँ, ऑफिस में काम करती हूँ, यहाँ आने के बाद फिर से काम करती हूँ। तो भाई एक इंसान है कितना काम कर सकता है, मशीन थोड़ी ना है, इंसान ही है, काम ही करता है वो, मशीन की तरह चलता नहीं है। ये बंदा जो आप देख रहे हैं ये सवा 10 बजे सो के उठता है, 10:30 बजे नहा के तैयार हो जाता है, और एक मिनट फिर ऑफिस चला जाता है ये बंदा, फिर आता है, खाता है, और फिर बिस्तर तान के लेटता है। अब वो जागना सोना इनकी मर्जी, ये जाने इनका काम जाने, लेकिन इनसे 10 गुना ज़्यादा काम हम कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं। बिस्तर पे जाएंगी और शी विल गोना ऑफ जस्ट आफ्टर शी। तो एक मिनट, जो थकता है वही सोता है भाई, तो थकी नहीं रहा उसको क्या थक नहीं रही भाई, जो थकेगा वही सोएगा, जिसको थकना ही नहीं है उसको सोना क्या है। तो एंड ऑफ द कन्वर्सेशन फुल स्टॉप, मैं ज्यादा काम कर रही हूं। तुम ज्यादा काम करती हो, लेकिन मैं सोता हूं सुबह 4 बजे, वो इनकी मर्जी, 3 बजे। और फिलहाल जब मैंने बीच में जॉब छोड़ दी थी, डिसकंटिन्यू कर दी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस, मेरे ऑफिस में सबको पता है क्या रीज़न है, तो इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू करी थी, जो रीज़न था मेरा। फिलहाल मुझे उसका सलूशन मिल गया है, दैट्स व्हाई मैंने रीज्वाइन किया है, और अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ जॉब, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, मैं बहुत कम्फर्टेबल हूँ उस जॉब में, बहुत कम्फर्टेबल हूँ, और अब मैं करती रहूँगी, और अब मैं करती रहूँगी और करती रहूँगी। और उम्मीद करते हैं, मैंने भी इनसे कहा था कि हम लोगों को ब्लॉगिंग के, बिकॉज तुम्हारी जॉब है, तो जॉब के साथ ब्लॉगिंग के ऊपर काफ़ी इफेक्ट भी आ सकते हैं, बट इफेक्ट आएंगे, बट आएंगे इफेक्ट्स को हम लोगों को सोल्यूशन, उसको सॉल्यूट कैसे करना है, उसकी भी क्या कहते हैं, उसकी भी जो एक होती है ना बागडोर हमारे हाथ में, जी ठीक है, उसकी भी एक की होती है, बिल्कुल की हाथ में, और आप लोगों का प्यार तो है, समझते हो क्या है क्या नहीं है, तो बहुत अच्छा है। ब्लॉग बनाएंगे और जॉब भी रात बाहर रहेंगे, पागल हो गए, तो इन ये पागल हो रहे हैं, इसका मतलब इनको बिस्तर चाहिए, अब लेटने के लिए करना कुछ नहीं है, बस बिस्तर चाहिए लेटने के लिए, तो इनको लेटने देते हैं। और हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जो भी बने रहिए, बरकरार रखिए, और प्यार मोहब्बत हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिए, और हमेशा हमारे साथ रहिए। और आज के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।